तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रिलेटेड है भाई, सारे बच्चे क्लास में रेगुलर है ना अब, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है, थोड़ा सा तो आप लोगों ने टेंथ में पढ़ रखा है, वो मैं नहीं करा रहा हूँ। डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, वो जो टेंथ में था वो नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका जहां भी यूज होगा थोड़ा बहुत बता दूंगा। हमारा यहाँ पर लोकस ऑफ अ पॉइंट, लोकस ऑफ अ पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय लोकस ऑफ अ पॉइंट? ये लोकस का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? लोकस का मतलब होता है पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट अंडर द गिवन कंडीशंस। There is a point which is free to move. एक कोई पॉइंट है जो मूव करेगा अंडर द गिवन कंडीशन। अब वो पॉइंट जिस पाथ पर चलेगा अंडर द गिवन कंडीशन, उस पाथ को हम लोग बोलते हैं लोकस ऑफ दैट पॉइंट। उस पाथ को क्या बोलते हैं? लोकस ऑफ दैट पॉइंट। तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करूं तो आपको लोकस बताना है। लोकस मतलब पाथ बताना है। अगर अच्छा ये मूविंग पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x, y से डिनोट कर रहा हूं। दिस इज अ मूविंग पॉइंट। दिस पॉइंट p मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसकी जो है फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज कांस्टेंट रखना है। तो आप बताओ जिस पाथ पर यह पॉइंट चलेगा, व्हाट इज दैट पाथ? P point moves such that its distance from a fixed point is always constant. तो जिस पाथ पर ये पॉइंट चलेगा उस पाथ का नेम बताओ। सर्कल। इस पॉइंट की जितनी अभी डिस्टेंस है इतना ही रखना है, तो यहां पर पहुंच जाएगा इतनी डिस्टेंस है, यहां पर पहुंच जाएगा सेम डिस्टेंस है, तो जिस पाथ पर चलेगा वो पाथ क्या है? सर्कल। ठीक बात है भाई। तो इस पॉइंट के लिए, ये मूविंग पॉइंट होगा, इस पॉइंट के लिए हम डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करेंगे, डिफरेंट कंडीशंस दूंगा, अंडर दोज कंडीशंस दिस पॉइंट विल फॉलो अ पाथ। उस पाथ का जो नेम होता है उस पाथ को हम लोग बोलते हैं लोकस ऑफ दिस पॉइंट। तो अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द लोकस ऑफ दिस पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज अ सर्कल। फिर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लोकस, इस लोकस का इक्वेशन बताओ। तो क्या करना है, जो ये मूविंग पॉइंट है इसकी जो कंडीशन है ना, उस कंडीशन को आप लिख दो। आप कंडीशन क्या थी, इस पॉइंट की जो यहां से डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस को मैंने आर से डिनोट कर दिया, ये कांस्टेंट रखना है। ये पीएफ क्या है? कांस्टेंट। तो ये आप पीएफ का मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इसको लिखोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको h और k तो फिक्स्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, आपको x और y में एक कंडीशन मिल जाएगी। x और y में जो ये कंडीशन आएगी दैट विल बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन दिस पाथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ दैट पाथ। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ दिस पाथ, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, पाथ का नाम बताओ, also find equation of that path, also find equation of that path। तो हम लोगों ने बच्चों अभी बात की है locus की। locus का meaning क्या होता है, what is the meaning of locus of a point? हाँ भाई तेजस, locus of a point, locus का क्या meaning? आ जाओ शब्द जल्दी, बैठ जाओ बैठ। locus का क्या meaning, what is the meaning of locus of a point? तो भाई भव्या बताओ locus का meaning क्या है। लोकस का मतलब पाथ डिस्क्राइब बाय अ पॉइंट अंडर द गिवन कंडीशंस। तो आपको बच्चों कंडीशंस दी जाएंगी और अंडर दोज कंडीशंस ये पॉइंट मूव करेगा, जिस पाथ पर मूव करेगा उस पाथ का नेम हमारा लोकस होता है, ठीक है। अभी बेटा जनरल बात बता रहा हूं, अभी मैं लोकस की बात कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस में आपको लोकस मिलेगा। लोकस पता करो, फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। So what is the meaning of locus of a point? Coordinate geometry हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऑल टूगेदर जो भी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो तेजस समझना है लोकस का क्या मीनिंग। लोकस का सीधा मतलब लिटरेरी मीनिंग है पाथ, पाथ ऑफ अ पॉइंट।
ठीक है। तो अगर कोई कहता फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, मतलब फाइंड द पाथ ऑफ अ पॉइंट डिस्क्राइब बाय दैट पॉइंट अंडर द गिवन कंडीशंस। एक पॉइंट होगा विच इज फ्री टू मूव, अगर पी मूविंग पॉइंट है, वेरिएबल है, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो चेंज होते रहेंगे ना, तो इसको हम जनरल पॉइंट मूविंग पॉइंट बोलते हैं, और मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज वेरिएबल लिए जाएंगे एक्स और वाई, ठीक है। और अब आपको ये पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस दूंगा, अंडर दोस कंडीशंस ये डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर चलेगा, उन पाथ को हम लोग लोकस बोलेंगे। जैसे अभी मैंने एक कंडीशन दी थी कि भाई एक पॉइंट है, एक पॉइंट है बच्चों, मूविंग पॉइंट है, इस पॉइंट को इस तरह से मूव कराओ कि इसकी एक फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट नहीं, ये फिक्स है हमारा, ये फिक्स हो गया, पॉइंट पी मूव्स एज दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ये जितनी डिस्टेंस पर अभी है उतनी डिस्टेंस पर ही रहना चाहिए, इस तरह से मूव कराओ, तो कौन से पाथ पर चलेगा ये? अगर इस पॉइंट की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रखना है तो कौन से पाथ पर ये पॉइंट चलेगा? इट विल मूव ऑन अ सर्कल, इट विल मूव ऑन अ सर्कल। भाई ये पॉइंट की से डिस्टेंस सेम रखो, डिस्टेंस सेम रखो, आपको जो है बांध दिया जाए और बोला जाए भाई तुम्हारी डिस्टेंस सेम रहेगी अभी इस पॉइंट से, तो तुम कहां कहां घूमोगे, सर्कल में तो घूमोगे, तो डिस्टेंस सेम रहेगी, तो इस पॉइंट का लोकस क्या हो गया? सर्कल। अब देखना दूसरी बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि एक मूविंग पॉइंट है, इस मूविंग पॉइंट को इस तरह से मूव कराओ कि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहे, एक्स एक्सिस से जितनी डिस्टेंस अभी है, अभी मान लो के है, के यूनिट्स, तो पी पॉइंट को इस तरह से मूव कराओ कि इसकी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहे, तो बताओ कौन से पाथ पर चलेगा ये? ये एक लाइन पर चलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो अगर कोई पूछता है लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो आप बोलोगे लोकस विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब कोई कहेगा भाई इसका इक्वेशन बताओ, तो इक्वेशन का मतलब होता है, इक्वेशन का मतलब होता है अ मैथमेटिकल कंडीशन विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन दैट पाथ। इक्वेशन का मतलब होता है अ मैथमेटिकल कंडीशन विच इज ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन दैट पाथ। अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन की बात करूंगा तो एक ऐसी कंडीशन लिखो जो इस पाथ के ऑल पॉइंट्स के लिए ट्रू हो, और बच्चों इस पाथ पर कोई भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? के यूनिट्स होगा, तो इस पाथ का इक्वेशन क्या हो गया? वाई इज इक्वल टू के, वाई इज इक्वल टू के, ठीक है ना। तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जो उस पाथ के ऑल पॉइंट्स के लिए ट्रू होगी, तो और वो जो कंडीशन आती है वो मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में होती है, मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में होती है। ये बात क्लियर हो गई? तो बच्चों अब इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया? वाई इज इक्वल टू के। अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन बताओ, तो आप तो सिर्फ एक बात पूछोगे, उस लाइन की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। आपने कहा डिस्टेंस आपकी 3 यूनिट है, तो उस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y is equal to 3, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज इक्वल टू क्या? इज गिवन एज y is equal to k, where k is the distance of that line from x एक्सिस। लिखो इस पॉइंट को, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज गिवन एज, is given as y is equal to k, where k is the distance of the line from x axis. Equation of a line parallel to x axis is given as y is equal to k, where k is the distance of the line from x axis. Clear ho gaya bhai? Where k is the distance of that line from x axis. Clear ho gayi baat ye? अब एक बार बताओ, अगर k की वैल्यू मैं 0 कर दूं तो ये लाइन कहां आ जाएगी? x एक्सिस पर आ जाएगी। x एक्सिस इज आल्सो अ लाइन, इसका इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0। अगर कोई बोलता है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बताओ, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, तो क्या होगा? y इज इक्वल टू 0। लिखो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन समझ में आ रहा है? क्योंकि x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा उसको y कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसी को तो इक्वेशन बोलते हैं।
इक्वेशन क्या होता है, एक मैथमेटिकल कंडीशन जो उस पाथ के ऑल पॉइंट्स के लिए ट्रू होती है, मतलब उस पाथ के ऑल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स वहां रख दोगे इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई। इक्वेशन ऑलवेज किसके टर्म्स में आएगा, वो वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में कंडीशन आएगी, तो इक्वेशन ऑलवेज एक्स और वाई के टर्म्स में आएगा। गॉट इट? अच्छा, अगर कोई कहता है कि इस पॉइंट को इस तरह से मूव कराओ कि इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कॉन्स्टेंट रहे, तो ये पॉइंट कहां चलेगा? ऐसे चलेगा। अगर इसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस से कांस्टेंट रखना है तो ये डिस्टेंस, ये पॉइंट कहां मूव करेगा? वाई एक्सिस के पैरेलल, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू के। तो लिखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज गिवन एज एक्स इज इक्वल टू के, वेयर k is the distance of that line from y-axis, where k is the distance of that line from y-axis, ठीक है? और y-axis का equation क्या हो गया? अगर k की value zero कर दी जाए तो लाइन y-axis पर आ जाएगी, तो y-axis का equation क्या हो जाएगा? k zero हो गया ना, तो x is equal to zero हुआ ना बेटा, तो y-axis का equation क्या हो गया? x is equal to zero। लिखो equation of y-axis is x is equal to zero। यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखो। अच्छा ये बताओ लाइन का इक्वेशन, अच्छा पहले लाइन की इक्वेशन पर थोड़ा सा और बता दूं, फिर इसके बाद आपको इक्वेशन दूंगा, क्वेश्चन दूंगा। अब बच्चों अभी तो मैंने स्पेशल लाइन की बात कर दी, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन। अब मैंने कहा भाई एक ऐसी लाइन है जो ये देखो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक टर्म लिखो स्लोप ऑफ अ लाइन, एक आप टर्म लिखो स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप ऑफ अ लाइन समझना है, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है? अब बच्चों देखो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, स्लोप का मतलब होता है हाउ मच इट इज इंक्लाइंड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल लाइन लिया, जैसे मैं अगर क्वालिटेटिवली पूछूं दो लाइंस हैं, एक एल वन है और एक एल टू है, और विच लाइन हैज ग्रेटर स्लोप? L2 has greater slope. L2 का जो inclination, incline, L2 is more inclined. L2 is making more angle with x-axis as compared to L1. Slope तो आप समझते हो ना यार, आप पहाड़ वहाड़ पे चढ़ते हो क्या, तो बड़ा steep slope है। Angle जिसका ज्यादा होगा उसका slope अधिक, इसका angle कम होगा slope का। But हम इस quantitatively जो है इसको हम tan theta से denote करते हैं, ठीक है ना? तो अगर हमें क्वालिटेटिवली बताना विच हैज ग्रेटर स्लोप तो ऐसे ही बता देंगे L2 has greater, how much it is greater, तो कोई ना कोई एक पैरामीटर हमारे पास होना चाहिए जिससे मैं इसका मेजरमेंट करूंगा। तो अगर कोई लाइन x-axis से थीटा एंगल बनाए इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ध्यान देना पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए, तो उस लाइन का जो स्लोप होता है जिसको मैं एम से डिनोट करूंगा वो टैन थीटा होता है। तो लिखो, ये लाइन लिखना पड़ेगा, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसमें। इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, देन स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन एज एम इज इक्वल टू टैन थीटा। Slope of the line is given as m is equal to tan theta. Got it? Slope का meaning समझ में आ गया? अब तुम लोगों से एक question पूछ रहा हूं। Slope सबने लिख लिया? एक line है, ये line है, ठीक है? जिसे पूछूंगा उसको बोलना है। ये y-axis है, ये y-axis है, ये x-axis है, ये angle दिया है 30 degree। ये एक line draw कर दी गई है, ये line है हमारी, ये line है। इस लाइन के लिए ये एंगल दिया वाई एक्सिस से, ये एंगल 30 डिग्री है, और इस लाइन का स्लोप पूछा गया, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। मैंने इस लाइन का एंगल वाई एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री दे रखा है, और उस लाइन का स्लोप बताना है। शब्द, व्हाट इज दैट स्लोप ऑफ दैट लाइन? सर टैन 120 डिग्री। टैन 120 डिग्री। तेजस, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? 120। स्लोप माइनस रूट थ्री। स्लोप
टेन वन ट्वेंटी। हाँ भाई चौधरी नील बताइए स्लोप माइनस रूट थ्री। हाँ इसने क्या नाम है तुम्हारा अनन्या। हाँ बोलो पता नहीं। हाँ भाई रीजन बताओ स्लोप। स्लोप के लिए बेटा क्या बताया मैंने, एंगल मेड बाय दैट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव डायरेक्शन ये, यहां से मुझे एंटी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉक ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज चलो, पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज चलो, ऐसे चलो। एंगल बताओ, ये एंगल तो मुझे दिया नहीं। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो उसका स्लोप होता है टैन थीटा। ये क्लियर हो गया? क्या कौन सा एंगल चाहिए होगा आपको? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मुझे चाहिए थीटा, तो स्लोप होता है टैन थीटा। मैंने वो एंगल तो दिया नहीं था, मैंने तो ये एंगल दे दिया था। तो ये 30 हो गया, ये 90 है, तो ये हमारा क्या हुआ? ये आपको पता है दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस होता है, तो ये हमारा हो गया 120 डिग्री। ये एंगल कितना 120 डिग्री, तो स्लोप क्या हो गया अनन्या? स्लोप हो गया टैन 120 डिग्री। टैन 120 डिग्री कैलकुलेट करना आता है आपको, 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, टैन हमारा नेगेटिव होता है, टैन कॉट 30 हो जाएगा, कॉट 30 पता है आपको रूट 3 होता है, तो स्लोप कितना आ गया माइनस रूट 3। गॉट इट? कौन सा एंगल चाहिए होता है, पहले फिर से बोलो, कौन सा एंगल चाहिए होता है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर एंगल थीटा है तो स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा होता है। मैंने यही लिखा है, गॉट इट? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही। हाँ किसके पैरेलल? पैरेलल तो कहीं किसी के नहीं, पैरेलल तो है ही नहीं बेटा कोई भी। ये नहीं, ये तो वर्टिकली अपोजिट होती हैं, पैरेलल तो ये होती हैं। तुमको मतलब अगर मैं ये एंगल पूछूंगा तो ये और ये एंगल सेम नहीं होगा? पैरेलल कौन सी, क्या दिमाग में भर गया इसके? तुम बनाओ, इधर आओ। ये कह रही है कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कर रही है तभी वो होता है। ये ऐसे कह रही है, ऐसे ये तभी कह रही हो ये और ये सेम होता है, इसको बोलते हो वर्टिकली अपोजिट। बेटा कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, नहीं ये और ये एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है? तुम्हारे दिमाग में ये था कि पैरेलल होने के बाद कोई ट्रांसवर्सल काटे तो ये वाला मैं इक्वल करूंगी, अदरवाइज मैं कभी नहीं इक्वल करूंगी, नहीं तुमने सोचा 30 तो हो ही नहीं सकता। तो तुम तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से ज्योमेट्री पढ़ के आई हो, ठीक है ना भाई तेजस? तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? ये 30 और 30 नहीं दिक्कत है, ये 90 और ये फिर ये 120 तुम्हें पता है? तब तो चलो बहुत क्लियर है, अच्छा कोई बात नहीं। अब चलो आगे की बात करते हैं। अब बच्चों स्लोप की बात हो गई। अगर मैं आपको बोलता हूं कि कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है जो यहां से थीटा एंगल बनाती, इसका स्लोप कितना हो जाएगा? टैन थीटा हो जाएगा। मैं इसको M1 से डिनोट करता हूं, M1 इज इक्वल टू टैन थीटा। एक लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बनाती, L2 लाइन। मुझे L2 का स्लोप बताओ कितना होगा? L1 का स्लोप तो टैन थीटा है, या मैंने M1 से डिनोट कर रखा है। एक दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, पहली वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, और मुझे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए, तो बताओ एक बार बताओ ये एंगल, ये 90 प्लस थीटा होगा, ये 90 है और ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा? 90 प्लस थीटा बेटा, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 प्लस थीटा हो गया ना, ठीक है? अच्छा ये 90 प्लस थीटा होगा तो इसका स्लोप क्या हो गया? M2 कितना हो गया? टैन 90 प्लस थीटा। ज्योमेट्री के रिजल्ट तो यार मैं डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ, आप बताते रहना कहाँ दिक्कत है। तो ये टैन 90 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस कॉट थीटा। ये क्या हो जाएगा? माइनस 1/tan θ, और ये हो जाएगा माइनस 1/m1। तो अगर मैं उसकी दूसरी लाइन का स्लोप को M2 से डिनोट करता हूँ तो दैट इज गिवन एज -1/m1। मतलब आपको ये पता चल गया अगर किसी लाइन का स्लोप 2 होगा तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप -1/2 हो जाएगा। अगर किसी लाइन का स्लोप M1 है
तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस वन अपॉन एम वन। क्लियर? मतलब आप यहां से ये कह सकते हो कि दो परपेंडिकुलर लाइन के जो स्लोप्स का प्रोडक्ट होता है वो माइनस वन होता है, दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, इसको लिख लेना है, अभी मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा। एक लाइन का स्लोप अगर m1 है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस वन अपॉन एम वन, माइनस वन अपॉन एम वन। ठीक बात है भाई? तुम्हारा आ रहा है ना पेपर में? पूरी कोऑर्डिनेट पढ़ा दूंगा तुम्हारे ये, ठीक है? क्लास में रहना है भाई, रेगुलर रहना। अब क्या डायरेक्शन को साइंस का कॉन्सेप्ट दिया आगे चल के, क्योंकि ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए ट्रू नहीं है और सबके लिए ट्रू है। अच्छा, अब बच्चों पैरेलल के लिए, तो पैरेलल के लिए तो अलग कंडीशन ना बेटा, मतलब वो तो स्पेशल लाइंस है, तो पैरेलल के लिए क्या होगा? अच्छा दूसरा कॉन्सेप्ट पैरेलल के लिए बता दूं, अगर बच्चों दो परपेंडिकुलर लाइन के लिए बोला है ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो परपेंडिकुलर होती है, पर तो उनके लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है हमारा। अगर कोई लाइन पैरेलल के लिए तो रिजल्ट ही नहीं है ना बेटा वो, अगर कोई लाइन दो लाइंस पैरेलल है तो उनके एंगल तो एक सेम बनेंगे, तो इनके स्लोप्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो आपको क्या याद रखना है, दो पैरेलल लाइंस के स्लोप्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्सिस और वाई वो तो सेम हो गया ना। तो अब बच्चों यहां पर दो पैरेलल लाइंस अगर हैं तो उनके स्लोप इक्वल होंगे, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस वन होगा, बट वो आपका रिजल्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी दो परपेंडिकुलर है उनके लिए दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, एक्स एक्सिस का स्लोप कोई पूछता है तो क्या लिखोगे आप? कोई पूछे व्हाट इज द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? जीरो एंगल। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या हो जाएगा? टैन जीरो। टैन जीरो क्या होता है? जीरो। मतलब ये हुआ एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन है उसका स्लोप क्या होगा? जीरो। लिखो ये सारी चीजें, स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है? जीरो। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है जीरो। क्लियर? और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप क्या होगा? वो मतलब थीटा 90 हो गया। अभी मैं बताऊंगा हम कैसे यूज करेंगे। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका x एक्सिस से एंगल 90 हो गया, स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। स्लोप tan थीटा होता है, तो m क्या हो गया? tan 90। अच्छा m tan थीटा है तो एक बार बताओ 1 अपॉन m क्या हो जाएगा? cot थीटा। और 1 अपॉन एम कॉट थीटा कॉट 90, कॉट 90 क्या होता है? जीरो होता है। तो आप क्या लिखा करोगे? अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस लाइन का स्लोप अगर m है तो 1 अपॉन m इज इक्वल टू जीरो, मैं इस रिजल्ट को यूज करूंगा। अगर कोई लाइन पैरेलल टू x एक्सिस तो m इज इक्वल टू जीरो, और अगर वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो 1 अपॉन m इज इक्वल टू जीरो। ऐसे याद रखना भाई, ठीक बात है? लिख लो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एम इज इक्वल टू जीरो, अगर वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो वन अपॉन एम इज इक्वल टू जीरो। क्या हो गया अनवी? अनवी क्या हो गया? कोई परेशान कर रहा है तुमको वहां? कीड़ा मकोड़ा, मॉस्किटो, खोल दो विंडो, अभी तो भागेंगे, ये 7 बजे वाली क्लास में बंद कर देंगे। हैं स्लाइड ये लो, अब एक तो और काम करना पड़ेगा सर। आगे की तरफ पहले उसको खींचो तुम लोग। हाँ अब सही है, बस इतना बहुत है, भाग जाएंगे। हाँ भाई कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कितनी बातें समझ लिया? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप जीरो, वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप अगर एम है तो वन अपॉन एम जीरो, दो लाइंस पैरेलल हैं स्लोप इक्वल, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस एम। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों अगर कोई लाइन पर दो पॉइंट पता हो, लिखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास करती है, एक लाइन एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन और एक पॉइंट है एक्स टू वाई टू, दो पॉइंट से पास करती है तो मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। इक्वेशन ऑफ अ लाइन स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है तो उसका मुझे स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, डन। अब बच्चों यहां पर तो मैंने बताया कि एंगल पता होना चाहिए, एंगल मेड बाय दैट लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पता होना चाहिए, अगर वो थीटा है तो स्लोप टैन थीटा होता है। यहां पर मुझे एंगल तो नहीं दिया गया, मुझे तो दो पॉइंट दिए गए लाइन पर। लेट अस टेक द एंगल एज थीटा, अब मैंने एंगल थीटा ले लिया, एंगल थीटा ले लिया जो कि दिया नहीं है मुझे, तो एम इज इक्वल टू टैन थीटा हो गया। अब बच्चों देखो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन का मतलब क्या है, ये हुआ वाई वन और ये हुआ एक्स वन, सृजन ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट, और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो ये होगा मेरा वाई टू और ये हो गया मेरा एक्स टू। क्लियर हो गई बात, इतनी भी बात समझ में आ गई। अच्छा अब एक बार बताओ, यहां से अनन्या तुम्हारे लिए है, ये एंगल थीटा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, खतरनाक क्वेश्चन है, तुम ऐसे बताओ ये दोनों पैरेलल हैं ऐसे, ये है थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा, सेम होंगे ना, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बिल्कुल ठीक, ठीक है। और ये बताओ ये लेंथ बता सकती हो तुम, ये पूरी कितनी है x2, ये x1, हाँ x2 माइनस x1, ये लेंथ कितनी है, ये y2 माइनस 1, tan थीटा का फॉर्मूला पता है ट्रायंगल में, p अपॉन b होता है, तो p हो गया y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो क्या निकल के आया, अगर कोई लाइन पर दो पॉइंट पता हो x1 y1 एंड x2 y2 तो हम उस लाइन का स्लोप पता कर सकते हैं बाय दिस फार्मूला। किसी लाइन पर अगर दो पॉइंट पता हो, ये सारे फार्मूला अभी हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं, किसी लाइन पर अगर दो पॉइंट पता हो, एक पॉइंट x1 y1 दूसरा x2 y2, तो उस लाइन का जो स्लोप है उसका फार्मूला निकल के आ गया y2 minus y1 upon x2 minus x1, done, क्लियर। अच्छा अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल लाइन के इक्वेशन की, ठीक है। अभी तो मैंने स्लोप की बात कर ली, एक्स एक्सिस का इक्वेशन, वाई एक्सिस का इक्वेशन, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, डन। अब देखो भाई, अब एक लाइन है, लिखना है क्या कुछ, लिखो लिखो, नहीं तुम पूरा लिखो, आराम से लिखो, तुम्हें नींद क्यों आ रही है यार, बीच बीच में सो लेता है, हैं? तुमने आज मास्क उतार दिया, कल अच्छा, मैंने कहा शब्द तो मास्क पहनने लगा, चलो अब भाई देखो, अब भाई देखो एक लाइन है जो एंगल जो बना रही है एक्स एक्सिस से, वो एंगल पर एक पॉइंट से, अच्छा एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन, इससे कितनी लाइंस पास कर सकती हैं, इनफाइनाइट लाइंस। तो उन्होंने क्या किया कि भाई ऐसी लाइन बताओ जो 30 एंगल 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही है, तो इससे 30 डिग्री एंगल का पॉइंट बनाते हुए, मतलब एंगल दिया जाएगा, तो एंगल थीटा बना रही है, एंगल थीटा बनाते हुए एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, इस पॉइंट से तो वैसे बहुत सी लाइन ड्रॉ कर देता मैं, बट थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है। सो लिखो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट whose slope is given as m, whose slope is given as m, भाई इसकी कॉपी से कोई भी जो है नोट्स बना सकता है, और ये कॉपी जो है बाद में ट्वेल्थ के बाद गिफ्ट करके जाएगी, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया नोट्स मेंटेन किए हैं, सारा प्रॉपर लाइन बाय लाइन तीनों सब्जेक्ट्स का, गुड। तो सुनो, हमें इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऐसी लाइन है, और
ऐसी लाइन है कोई जो थीटा एंगल बना रही है और एक पॉइंट इस लाइन पर गिवन है, मतलब अगर हमें एक पॉइंट दिया जाए लाइन का इक्वेशन सर्च करने की, पता करने की, आपको जो है ना माइंड में अपने बैठाना है लाइन का इक्वेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देंगे वो। मैं 5 सेट ऑफ कंडीशंस दूंगा आपको, 5 सेट ऑफ कंडीशंस में पहली कंडीशन है, पहला सेट ऑफ कंडीशन है पॉइंट गिवन है और एंगल पता है, एंगल पता मतलब स्लोप पता है, तो मुझे इसका इक्वेशन चाहिए। अब सुनना बच्चों ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी पाथ, ये पाथ है ना, इस पाथ का मुझे क्या चाहिए, इक्वेशन। मतलब क्या होता है, इस पाथ पर एक पॉइंट मूव कर रहा है, मैंने मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को एक्स कॉमा वाई ले लिया, पॉइंट इज मूविंग ऑन दिस पाथ, उस पाथ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लिया एक्स कॉमा वाई। अब होता क्या है बच्चों, वट एवर कंडीशन आर गिवन टू यू, बाई यूजिंग दोज कंडीशंस आपको इस मूविंग पॉइंट के टर्म्स में, इस मूविंग पॉइंट के टर्म्स में, मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में आपको एक मैथमेटिकल कंडीशन डिराइव करनी। ये जो मूविंग पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में यू हैव टू डिराइव अ मैथमेटिकल कंडीशन एंड दैट कंडीशन विल बी ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स ऑन दिस पाथ, उसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ दिस पाथ। तो अब हमारा काम क्या, एक्स वन वाई वन तो ये नंबर्स पता है, ये पता रहेंगे आपको, थीटा पता रहेगा हमें, ये जो मूविंग पॉइंट है एक्स और वाई इसके टर्म्स में एक हमें मैथमेटिकल कंडीशन डिराइव करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिराइव करते हैं, इस पॉइंट के लिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई एक्स, ये डिस्टेंस कितनी है हमारी वाई, ये पॉइंट गिवन है यहां से परपेंडिकुलर, ये वाई वन, ये है हमारी एक्स वन, यहां से मैंने परपेंडिकुलर इस लाइन पर ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल एक्स माइनस एक्स वन, ये कितना हो जाएगा वाई माइनस वाई वन। और बच्चों इस ट्रायंगल में मैं टैन थीटा की बात करूं, टैन थीटा क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये मेरा एम है, तो एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन। तो एम ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, हम लोग जनरली इसको ऐसे याद करेंगे, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और बच्चों इसमें एक्स वन वाई वन और एम पता रहेगा, एक्स वन वाई वन और एम पता रहेगा, तो आपको एक्स और वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और वो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। टेंथ क्लास में लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दिया जाता था, वो लाइन को रिप्रेजेंट करता था, वो लाइन ड्रॉ करते थे, अब हम लाइन ड्रॉ करके दे देंगे और आपसे बोलेंगे जो इक्वेशन वो उसको रिप्रेजेंट करता है वो इक्वेशन पता करो, वो इक्वेशन मिल जाएगा, ये नोट करो, फिर मैं अभी इस पे और आगे बात करूंगा। पहला था बच्चों इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग द स्लोप एज एम, स्लोप गिवन है और लाइन पर एक पॉइंट पता है, तो हम उसका इक्वेशन कैसे पता करते हैं। अनवी तुम्हें भी नींद आ रही है, तुम तो बिल्कुल मास्क के अंदर सो ले रही हो, चलो अच्छी बात है, नहीं आ रही, जाओ जल्दी आ जाना। हाँ भाई तेजस ठीक है, खो तो नहीं रहे हो तुम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हुई है भाई, अभी तो शुरू हुई है, इसमें दिमाग लगेगा, ये फार्मूला वार्मूला नहीं चलती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ करके चलेगी, फार्मूला की जरूरत पड़ती है बट दिमाग लगाना पड़ता है, सोचना पड़ेगा, बट हाँ ये एक बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड हो जाएगी तुम्हारे लिए, क्योंकि इसमें कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन आते हैं कम से कम डायरेक्शन मिलती है क्या करें कैसे करें। ओके तो भाई सुनो, ये नोट कर लिया तुमने, हाँ बोलिए, पिछले वाला तो बेटा स्लोप नहीं, दो पॉइंट पता थे, यहाँ पर एक्स और वाई तो मूविंग है, तो मूव कर रहा है, वहां फिक्स्ड थे तो वहां तो स्लोप मिल गई थी, यहाँ स्लोप आपको दी गई है, थीटा दिया गया था, बट ये मूविंग पॉइंट के टर्म्स में कोऑर्डिनेट, अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहां से और क्लैरिटी आ जाएगी। पिछले वाले में बेटा एक्स वन वाई वन दोनों पता था, एक्स टू वाई टू भी फिक्स्ड था, तो मुझे स्लोप दे दिया था इन्होंने, यहाँ वाले में क्या है ना एक्स और वाई वेरिएबल चल रहा है, उसी वो मूविंग है, तो उसके टर्म्स में मेरे एक कंडीशन आ जाएगी एक्स और वाई के टर्म्स में, इसी को हम क्या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ दैट पाथ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, हाँ बोलो बोलो, ऑलवेज इक्वेशन आपको नहीं, पहले वाले में तो एम की नंबर आएगी, एक वैल्यू एम स्लोप है नंबर है, और यहाँ एक्स और वाई में कंडीशन आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3, find the equation of a line passing through a point 2, 3
whose slope is given as, whose slope is given as 1 by 2, 2.3, whose slope is given as 1 by 2. मतलब इसका स्लोप दिया है थ्रू अ पॉइंट 2.3 हूज स्लोप इज गिवन एज 1/2. बच्चों लाइन का स्लोप पता है और एक लाइन जिस पॉइंट से पास करती है, देखो यहां पर लाइन पर एक पॉइंट पता है 2.3 और उसका स्लोप पता है 1/2. पहले आप एक काम करेंगे, आप लिखेंगे सिंस वी नो दैट इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 हूज स्लोप इज गिवन एज m is given as y minus y1 is equal to m into x minus x1. ये आप लिखेंगे. अब in our question, x1 क्या है? 2 है. y1 क्या है? 3 है. और m क्या है? 1/2 है. तो आ जाएगा y minus y1 3 is equal to m 1/2. x minus x1 is 2. Simplify this. So 2y minus 6 is equal to x minus 2. Equation always कौन से format में लिखेंगे आप? x minus 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ऑलवेज लाइन का इक्वेशन आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इस फॉर्मेट में आंसर छोड़ना है. ठीक बात है भाई? क्या नाम, क्या दिक्कत है भाई? रक्षित बताओ. ठीक है ना? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्मेट में इक्वेशन आएगा. हाँ अनन्या, क्या दिक्कत है? तुम्हारा भी तो यही आया होगा. अरे तुम्हारा भी तो नहीं, तुम्हारा ये नहीं आया है. तुम्हारा x माइनस टू वाई नहीं आया है. क्यों? 2 को उधर ले जाओगी तो 2y माइनस 6, ये x माइनस 2, तो मैं इसको इधर ला रहा हूँ. या इसको उधर ले जाओगी तो माइनस x हो जाएगा. माइनस x कहाँ लिखा तुमने? माइनस x नहीं लिखा, प्लस x लिखा है बेटा. वाई माइनस एक्स तो वाई माइनस एक्स तो ठीक है, वाई माइनस एक्स लिख सकते हो. वो ऐसा तो हो नहीं सकता है. तुम कैलकुलेशन चेक करो अनन्या, तुमने क्या किया था? y माइनस y1 इज इक्वल टू हाफ x माइनस x1. ये x माइनस x1 होता तो 2 माइनस x1 कैसे लिख दिया था? x माइनस x1 इज दैट 2. ठीक है ना? ओके, ठीक बात है बच्चों. ओके है ये. एक काम करो, ये तो ठीक है. यस, और वेरिएबल आपका x और y मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट. बब यहां तक ठीक है? ओके okay. अच्छा अब सुनो, अगर मैं आपको और कुछ कंडीशन दे रहा हूं लाइन का, ये देख एक डेफिनेशन सुन लो. अभी तो मैंने एक पॉइंट दिया था और स्लोप दिया था. अब लाइन पर दो पॉइंट दे दूंगा, लाइन पर दो पॉइंट दे दूंगा और कहूंगा इसका इक्वेशन बताओ. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट. दो पॉइंट से पास करती हुई, दो पॉइंट आपको दे दिए जाएंगे और उन दोनों पॉइंट से पास करती हुई कोई लाइन है, उस लाइन का इक्वेशन बताना है. इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स. ठीक है? अगर इन दो पॉइंट से कोई पास करने वाली लाइन का इक्वेशन मुझे पता करना है तो क्या करेंगे? नहीं, मूविंग पॉइंट तो अभी लेना पड़ेगा. ये तो दो फिक्स पॉइंट है, ये दो पॉइंट फिक्स कर दिए गए बेटा. अब तुम्हें इक्वेशन ऑफ दिस लाइन बताना है. हाँ सर, उसमें सर m है सर, वो x2 minus x1. बिल्कुल. अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था? थीटा गिवन. उससे क्या किया था आपने? स्लोप निकाल लिया था. यहां थीटा तो दिया नहीं, यहां दो पॉइंट दिए. दो पॉइंट दिए गए हो तो स्लोप निकालना आता है ना. दो पॉइंट दिए गए तो स्लोप निकालना आता, तो आपको स्लोप मिल गई. क्या हो गया स्लोप? y2 minus y1 upon x2 minus x1. और अगर स्लोप मिल गया हो और मुझे एक ही पॉइंट पता हो तो इक्वेशन मिल जाता है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो गया? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. और यहां पर m की जगह में आप क्या लिख सकते हो? y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. ये हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन आ गया. तो पिछले क्वेश्चन में थीटा गिवन था तो m tan थीटा से मिल गया था. इस क्वेश्चन में दो पॉइंट गिवन है तो m, ये मिल गया फार्मूला. जब m मिल गया मुझे तो मुझे सिर्फ एक पॉइंट की जरूरत होती है. वो पहला पॉइंट मैंने ले लिया, m ले लिया और पहला वाला फार्मूला यूज किया. मतलब ये है कि तुम्हें स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए और एक पॉइंट चाहिए. पहले वाले क्वेश्चन में इन्होंने स्लोप के लिए क्या दिया था? एंगल दिया था, थीटा दे दिया, एंगल दे दिया था. तो आपने m निकाल लिया था और एक पॉइंट x1 y1 पता था. दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या किया? दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने लाइन पर दो पॉइंट दे दिए.
दो पॉइंट दे दिए तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला पता है, दो पॉइंट पता हूं स्लोप मिल जाता है, स्लोप मिल गया तो फिर मेरे पास फार्मूला है वाई माइनस, एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है, एक पॉइंट मैंने पहला वाला ले लिया, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स। बात क्लियर है? एम नहीं दिया रहेगा ना, दो पॉइंट दिए रहेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई क्वेश्चन करते हैं, बुक लाए हो आप लोग, एनसीईआरटी बुक लाए हो, ओपन करो और इसकी दूसरी वाली एक्सरसाइज पर आओ पहले,